हमारे होटल का कॉरिडोर है और ये दो रूम्स हमने लिए हैं, आई थिंक 7 और 8 है। हाँ, और यहीं से ही सामने से दर्शन हो जाते हैं। ये देखो, ये सामने से दर्शन है यहाँ से भी। और यहाँ पे सोफ़ास रख रखे हैं बैठने के लिए। ये तो हमने ऑलमोस्ट 4 रूम ले रखे हैं, 2 रूम ले रखे हैं हमने कटरा में, जो मतलब अभी हमने सिर्फ सामान सामान के लिए लिए हैं। उसमें एक रूम तो बिल्कुल खाली है, एक में हमारा सामान आ गया। ज़्यादा भी इतना सामान था, लेकिन इतना भी नहीं था कि 4-5 वो रूम लेने पड़े। तो देखो, ये सेम ही है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे। ये आई थिंक इधर कुछ पीछे व्यू होगा। हाँ देखो, ये बेड के पीछे का व्यू है। यहाँ पे फोटो लग रहा है भगवान की। और ये वॉशरूम है सेम जो वहाँ था, गीज़र, बेसिन। ये शीशा थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा हाई क्वालिटी का शीशा लगा दिया। और यहाँ पे ये बालकनी व्यू है, देखो अभी कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ये पहाड़ है। हाँ पहाड़ी है ये, इसके पीछे सुबह अगर हो सका। वैसे तो हमारा प्लान है कि हम 5 या 4 बजे ही चेकआउट करते, क्योंकि हमें भवन भी जाना है माता रानी के, वैष्णो देवी जाना है, उसके बाद भैरवनाथ भी जाना है, और हमें वहाँ से भी 12 बजे चेकआउट करना है उस होटल से। तो हमारा प्लान है कि सुबह ही जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन देखते हैं होपफुली क्या होता है। बाकी ये सोफ़ा है आरामदायक। और अर्धकुंवारी तक तो मैं अभी करूँगा, क्योंकि हमें नीचे जाना है अर्धकुंवारी में। उसके बाद का व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, जो सुबह का व्लॉग होगा कल का, वो नेक्स्ट पार्ट में डालूंगा, जिसमें मतलब हम वैष्णो देवी और भैरवनाथ जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, जब मैं थोड़ी सी व्लॉगिंग कर लूँगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा यार फ़ोन भी संभाल के रखना पड़ता है, हर जगह व्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बंदर है। आपको पता है कि लोगों का चश्मा छीन लेते हैं, फ़ोन छीन लेते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सेफ्टी करनी पड़ती है, इसलिए मैं हर जगह व्लॉग नहीं कर पाता। मैं फिर नीचे जाऊँगा मंदिर में, जब आपको पूरा दिखाऊँगा। वैसे तो अलाउड नहीं है वहाँ पर फ़ोन ले जाना, अगर थोड़ा बहुत क्लिप ले पाया तो ले लूँगा, बाकी खाना खाने जाएंगे जब मैं करूँ। इतनी ठंड है नहीं जितनी हम सोच रहे थे कि जम जाएंगे, ये वो कुछ नहीं। हाँ ये है कि बोल सकते हैं कि तुम चले हो इसलिए शायद से नहीं लग रही हो, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से मुझे ठंड नहीं लगी। मैं चला हूँ इसलिए शायद से हो सकता है, वैसे घर पे पड़ा रहता हूँ तो दिल्ली में भी मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा कम लगी जम्मू में। और अभी मैंने बर्फ़ देखी नहीं है, कहा जा रहा है कि शायद से वैष्णो देवी में बर्फ़ मिल जाएगी, ऊपर जो भवन है माता का वहाँ पर शायद से बर्फ़ मिलेगी देखने को। बाकी आई एम एक्साइटेड। और भैरवनाथ पर तो शायद से श्योरली बर्फ़ है, तो वहाँ का भी मैं कवर करूँगा। और बस मैं अब खाना खा लूँ, उसके बाद शायद से गुफा में जाएंगे अर्धकुंवारी। इस रेस्टोरेंट के सबसे फेमस डिश है कढ़ी चावल, ये रोटी, मिक्स वेज, दाल। ओके, अब मैं खाना खाने के बाद में। सो गाइस, खाना हो गया और अब हम प्लान कर रहे हैं कि दर्शन के लिए जाएं। सो गाइस, अभी पता लगा है कि फ़ोन अलाउड नहीं है अर्धकुंवारी की गुफा के उधर भी, वहाँ जमा हो जाते, तो यहीं से ही देख लो। दर्शन अंदर से तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ यहाँ से मैं कर लेता हूँ। देखो यहाँ से यही गुफा है पीछे, और ये नीचे जाएगी। और हम जा रहे हैं एक बार होटल अपने जूते समेट उधर ही रखने, और मैं फ़ोन भी उधर ही रख दूँगा, क्योंकि वहाँ जमा नहीं करवाना मुझे। सो गाइस, दर्शन हो गए हैं, एंड अंदर तक तो जाने नहीं दिया गुफा के बाहर से ही भेज दिया। और पता नहीं कुछ इनका रिस्ट्रिक्शंस लग रहा था कोविड का, जिस वजह से वो लोग जाने नहीं दे रहे, बस बाहर से दर्शन करा हमने। और आगे का व्लॉग मैं कल शूट करूँगा। हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, हाय, आई एम सत्यम सिंह राजपूत, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब नाउ। मैं बेड से ही व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ अगले दिन का, और अभी टाइम हो रहा है 4:30 हो रहे हैं। 5 बजे हमें निकलना है, और मैं बस रेडी हो रहा हूँ नहा के, हम लोग क्लाइंबिंग करना स्टार्ट करेंगे माता वैष्णो देवी की। क्या बोल रहा हूँ अभी, तो देख लो कुछ ऐसा सीन है रूम का। अभी देखो, ब्लैंकेट 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 ब्लैंकेट, ये देखो। तो मैं अब सीधा नहा के मिलता हूँ, और मेरे पैर में कल हमने क्लाइंबिंग करी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने रात को ही पता नहीं क्यों नहीं ली, लेकिन अब जाके पेन किलर लिया, थोड़ा बेटर है। बाकी अभी नहा के मैं फ्रेश अप हो जाऊँगा, तो क्या पता आराम आ जाए। और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, मैं जब कंटिन्यू कर लूँगा। रेडी हो गया, ये ऑरेंज हाईनेक स्वेटर,
और ये वो कल वाली जैकेट, क्योंकि मेरे पास जैकेट कम थी, क्योंकि कौन सा है इतना बोझ पहाड़ पे लेके आए, पड़ी है होटल में बहुत सारी जैकेटें लेकिन यहाँ पे नहीं लेके आए, तो ये वाली पहन के पड़ रही है। रेडी टू गो। कुंवारी के दर्शन आप यहीं से कर सकते हो सामने से, ये देखो। इट्स टाइम टू चेक आउट दिस होटल। चेक आउट कर रहे, लॉक कर रहे हैं इसको, ये वाला तो कर ही दिया, ये वाला भी कर लिया। ये कुछ नीचे का व्यू है, सारे यहाँ पे मंकी सो रहे हैं यहाँ पे कोने में। यहाँ पे सुबह के 5 बजे का नज़ारा है, 5:30 का, वो देखो सारी शॉप्स ओपन हो रही है धीरे धीरे, और यहाँ से जाने का रास्ता है, ये देखो यहीं से जाएंगे। ये देखो वे टू भवन, भवन का रास्ता, यहाँ पे भी लोग सो रहे हैं, जो जिन्होंने होटल ले लिया था यहीं पे ही, उन्होंने कंबल और ये ले लिया था यहीं पे सो रहे हैं। ये हो गया हमारा टनल पार, देखो बंदर ही बंदर है यहाँ पे, ये देखो वो बंदर। कहाँ पे? वो देखो ना इस पहाड़ पे, नहीं है कुछ नहीं है। ये देखो बंदर, फोन ले लेता हूँ। ये सुबह 5 बजे का नज़ारा है, जो यहाँ पे अंधेरा हो रहा है, देखो लाइट्स ही लाइट्स। ये देखो हम लोग चल दिए हैं, देखो पूरा खाली पड़ा है, अभी तो भीड़ ही नहीं है, अभी चल रहे हैं बस पूरे रास्ते, अभी तक तो कोई दिखा नहीं जो जा रहा हो, अभी तक हम ही जा रहे हैं। पहाड़ की तरफ ना बैठे, क्योंकि इधर की तरफ फेंसिंग नहीं है, पत्थर जब फेंसिंग थी ना, ये कोई पहाड़ का पत्थर बहुत बड़ा गिरा होगा, जिस वजह से पूरी टूट गई, इसलिए हमें फेंसिंग नहीं हो रखी अभी। ये बहुत जना लिया है डिस्पेंसरी का रास्ता, अर्धकुंवारी 800 मीटर चल लिया हम। अर्धकुंवारी मंदिर से वैष्णो देवी का रास्ता 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर हमें वहाँ पे चढ़ना है, उसके बाद भैरवनाथ जाना है। तो अभी मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। 975 हो गया मीटर्स, सो 1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद पहाड़ पे नॉन स्टॉप चढ़े हम लोग, उसके बाद हमें मिली है ये एक शॉप है, हमें भी ये अभी लेकिन शायद से अवेलेबल नहीं है, सफाई हो रही है यहाँ पे, अभी अवेलेबल नहीं होगी, यहाँ पे शायद से मिल जाए टी कॉफ़ी वट एवर यू प्रेफर, जो भी है यहाँ मिल जाना है। ये इसका बोर्ड है, ये देखो एरिया, और अच्छा ये वही है सत्य भोजनालय जिसका हमने बोर्ड देखा था आगे। हाँ अभी चाय अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, अभी यहाँ पे सफाई चल रही है, तो चाय कॉफ़ी कुछ अवेलेबल नहीं है, कह रहा थोड़ी आगे जो आपको मिल जाएगी, अब थोड़ा आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। सो अब हमें इतनी देर बाद एक स्टॉप मिला है कॉफ़ी के लिए, यहाँ पे टी नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी कॉफ़ी है, और ना पानी है इनके पास, तो अभी बस ये मशीन से निकाल के देंगे। बाकी हमने ऑलमोस्ट 1.7 किलोमीटर चल लिया है, एक बार स्टॉप लिया था बीच में, अब दूसरा स्टॉप ये लिया है, थर्ड आई थिंक 2 किलोमीटर के बाद लेंगे, वो देखते हैं क्या होगा, और जैसे टी या कॉफ़ी जो भी आती है मैं दिखाता हूँ। ये कॉफ़ी हमें 30 रुपीज़ की पड़ी है, इसका मशीन वाली है वैसे, तो अब देखते हैं। एक्चुअली गाइस हमारे साथ स्कैम हो गया है, जो हम कॉफ़ी समझ के लेके आए थे वो एक्चुअली बॉलवीटा निकल गया, बिल्कुल डिट्टो 100% बॉलवीटा का टेस्ट है, इसके अंदर कॉफ़ी नहीं है ये, और हमने उसको कहा तो ये कह रहे यही मिलती है इधर कॉफ़ी है ये, तो झाग से तो ये कॉफ़ी लग रही है लेकिन ये बॉलवीटा है, क्योंकि ये मशीन से निकला है इसलिए झाग है ये। और बस अब चलना स्टार्ट करेंगे कॉफ़ी पी के, और पीछे मेरे खाई है पूरी की पूरी, देखो पेड़ पत्ते दिख रहे हैं, उधर जाना पीछे वो दिख रहा है लाइट, वहाँ तक जाना, उसके ऊपर भी है। तो अभी मैं स्टॉप करता हूँ वीडियो, कॉफ़ी इन्जॉय कर लेता हूँ मैं, कॉफ़ी तो है नहीं बॉल मिटाई है। सो अब हम चल पड़े हैं वापस है कॉफ़ी या कॉम्प्लेंट जो भी पी के, यहाँ से रास्ता देख लो पूरा क्लियर, कोई नहीं, एक का दुक्का लोग दिख रहे हैं, और बाकी यहाँ पे
पहाड़ है पूरे, ये देखो जिसके पीछे वाइट दीवार के पीछे पूरा पहाड़ से कवर हो रखा है। ठंड तो नहीं लग रही एक्चुअली, हाँ कह रहे थे ठंड होगी, अब स्वेटर पहन ली और जैकेट पहन ली, ठंड नहीं लग रही ज़्यादा, कान पे भी ठंड नहीं लग रही, चल लिए ना हम, इतना चल लेगा तो गर्मी तो आ ही जाएगी शरीर में लोगों के। बाकी दिल्ली में मैं पूरे साल इतना नहीं चलाऊँगा, 1 किलोमीटर भी नहीं चलाऊँगा पूरे साल, और इधर एक बार में तो आदत हो जाएगी अगर हम रहने लग जाए यहाँ पे। बाकी अभी चल तो अभी भी लेंगे, चल ही रहे हैं ऑलमोस्ट, 2 स्टॉप लिए हमने अभी तक, एक लिया था वहाँ पे लेकिन वहाँ पे हमें कॉफ़ी नहीं मिली, बैठे नहीं हम वहाँ पे, दूसरा अभी कॉफ़ी पिया है जब स्टॉप लिया है, अब अगला स्टॉप 2 किलोमीटर के बाद लेंगे, 1.95 हो गया तो मे बी 1.2 किलोमीटर, नहीं 2.2 किलोमीटर पे लेंगे अगला स्टॉप। रास्ता देख लो गाइस, पूरा कितना सुंदर लग रहा है नीचे से, एक सेकंड में दिखाता हूँ, ये देखो नीचे का व्यू, लाइट्स अभी तो फिर भी लाइट कम हो गई है, उधर से बहुत ज़्यादा दिख रही थी क्योंकि यहाँ जंगल भी है ना इसलिए सही से लाइट्स नहीं दिख रही होगी, लेकिन लाइट्स बहुत है इधर। चलते रहो, थकान मतलब थोड़ी बहुत हो रही है, इतनी नहीं है कि थकान हो रही है, अब आदत हो गई ना हमें चलने की तो थकान नहीं है बिल्कुल भी, कॉफ़ी पी ली, कॉफ़ी नहीं कॉम्प्लेन पी ली जो भी है तो सही लग रहा है थोड़ा बहुत। सो गाइस भवन रह गया है 750 मीटर दूर, बस हम पहुंचने वाले बहुत जल्दी, कंप्लीट होने वाली है जर्नी, देख लो पीछे दिन निकल आया और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और मैं नीचे दिखाता हूँ यहाँ पे बर्फ भी दिख रही है मुझे। बाकी अगर मुझे आगे भी आइस दिखेगी तो मैं दिखाता हूँ, और बस अब पहुँचने वाले हम लोग, और यहाँ से थोड़ा ब्यूटीफुल सा नज़ारा है, यहाँ से देख लो, यहाँ से थोड़ा दिख जाएगा, लाइटिंग अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ से बर्फ कितनी क्लियर दिख रही है, देखो पूरी आइस है वो, और ऊपर भी इधर भी देखो तो वहाँ पे सारी आइस है, और यहाँ से आपको मंदिर दिख जाएगा पूरा पीछे का, और पूरा 360 एरिया दिखाई दे। चमड़े की चीज़ें अलाउड नहीं है, और मे भी फ़ोन भी शायद अलाउड नहीं होगा, तो मैं फ़ोन अगर अलाउड नहीं होगा तो जमा कर दूंगा, बाकी देखते हैं आगे क्या हो। अब हम लॉकर में रख लेंगे अपना सामान, तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपना लॉकर में सामान रखवाने, यहाँ पे कुछ अलाउड नहीं है, फ़ोन भी अलाउड नहीं है, चमड़े की कोई चीज़ अलाउड नहीं है, तो अब व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी आगे की, और जैसे फ़ोन मिलेगा फिर मैं करूँगा आगे की व्लॉगिंग स्टार्ट। अभी यहाँ पे हम लॉकर में अपना सामान रख देते, देखो यहाँ पे ऐसा लॉकर है। तो अब हम जा रहे हैं रोपवे में, वहाँ से टिकट लेके उधर से ही भैरवनाथ मंदिर जाएंगे, रोपवे का रास्ता है ये, देखो बिल्कुल पास का व्यू। तो जा रहे हैं हम लोग रोपवे में, और यहाँ से बहुत क्लियर नज़ारा दिखेगा, एक सेकेंड ये देखो। ओ हम आ गए हैं यहाँ पे, ये टिकट है और ये इसका गेट है, यहाँ से एग्जिट करना है।
ऊपर आ गए हैं, देखो एक दो तीन, ये देखो बिल्कुल ऊपर आ गए हम लोग। लोगों को फोकस करने दो, मैं अभी बैक कैम से अच्छे से भी दिखा रहा। तो गाइस भैरव बाबा का दर्शन करके ये कुछ व्यू है, हम आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं नीचे, फोटोग्राफी और वीडियो बना ली सारी की सारी। अब ऐसे जा रहे हैं, मैं एक बार आपको यहीं से ही दर्शन वो दिखा रहा हूँ। सो अब हम वापस जा रहे हैं अपने रोपवे की तरफ ही। इधर से वापस जा रहे हैं, ये है रोपवे की टिकट। तो हमारी यात्रा हो गई है यहाँ पे कंप्लीट, ऊपर तक जाके आ गए। अब हम जा रहे हैं नीचे कटरा वापस, इसके बाद शायद से खाना खाने अभी जाएंगे थोड़ी देर में। जब देखा था मैंने उसमें से वो जो बन रखा था फूड कोर्ट, नीचे जा रहे हैं बस। पहुंचने में तो नीचे जाने में इतना टाइम नहीं लगता जितना चढ़ने में लगता है, नीचे तो चले जा रहे हैं सीधा सीधा। मैगी खाने बैठे हैं यहाँ पे, वेजिटेबल मैगी एंड सो आ गई है हमारी मैगी, वेजिटेबल मैगी आई है, मैंने ऑर्डर कर दी हो, बट इट्स नॉट वर्थ क्योंकि ये 50 रुपये की दी है इन्होंने मैगी और इतनी कम है ये, पर से मैगी ज़्यादा सही भी नहीं लग रही, इससे ज़्यादा सही तो घर पे बना देते हम लोग तो उस हिसाब से। लेकिन पहाड़ों पे तो उनको भी चार्जेस देना पड़ता तो इतना ही होगा। सही है, काम चलाओ। सो गाइस हम आ गए अपने होटल में वापस रिटर्न। ये अर्थक्वारी वाला होटल नहीं है, दूसरा होटल है जहाँ पे हमने फर्स्ट स्टे करा था। सो इधर आ गए हैं और हमारी वैष्णो देवी की यात्रा कंप्लीट हो गई है। भैरवनाथ भी चले गए, अर्थक्वारी भी चले गए और वैष्णो देवी भी चले गए, हमारी यात्रा कंप्लीट हो गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग एंड कर दूँ, लेकिन क्या पता हम कुछ डिनर विनर करने जाएँ तो शायद से मैं शूट कर लूँ। बाकी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कुछ भी और इंटरेस्टिंग होगा तो मैं सीरीज़ में ऐड करूँगा, नहीं तो 3 पार्ट्स तो पक्का आएंगे सीरीज़ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा, और मैं एक इस पे वीडियो भी बना दूंगा, जो जो वैष्णो देवी जाना चाहते हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस और क्या क्या उनके रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, कैसे आपको आरटीपीसीआर करवाना है, सब कुछ मैं बता दूंगा, दिल्ली पहुंच के बताऊंगा। और प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो। टेक केयर, बाय बाय।